ग्लोबल बिजनेस एक्सपर्ट में आपको स्वागत करता हूँ। आइए आज स्टार्ट करेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड के बारे में। इंडिया मलेशिया, मलेशिया इंडिया का ट्रेड के ऊपर बात करेंगे। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर इब्राहिम विजिट किए थे इंडिया, और इंडिया में हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया का औद्योग मिनिस्ट्री के साथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया का इंडिया विजिट काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये एट एमओयू के ऊपर साइन हो चुकी है इंडिया मलेशिया, मलेशिया इंडिया का। इंडिया और मलेशिया, मलेशिया इंडिया का ट्रेड काफ़ी बढ़ चुका है। फिलहाल इंडिया मलेशिया का जो ट्रेड है 19.5 बिलियन डॉलर का है, ऑलमोस्ट 20 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। और मलेशिया एक इम्पोर्टेंट कंट्री है इंडिया के लिए, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इंडिया टू मलेशिया एक्सपोर्ट हो रहा है। इंडिया मलेशिया में तीन टाइप का कम्युनिटी रहते हैं, एक तो हो गया आपका चाइनीज, मलय एंड तमिल। इंडिया का तमिलनाडु स्टेट से काफ़ी साल पहले बहुत सारे तमिलियंस मलेशिया में जाकर सेटल हुए थे और ये तीन कम्युनिटी के ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं। तो तमिलनाडु से ज़्यादा मलेशिया को एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ पर जो लोग हैं, एशिया ईस्ट एशियन कंट्री है, वहाँ का खाना पीना, रहन सहन, सोशल लाइफ ऑलमोस्ट इंडिया जैसा ही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू मलेशिया को। इंडिया सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करता है टू मलेशिया, राइस एक्सपोर्ट करता है, ऑनियन एक्सपोर्ट करता है, गारमेंट्स एक्सपोर्ट करता है, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, पर्ल्स एक्सपोर्ट करता है, देन आपका आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है, फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादा जाता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया टू मलेशिया एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया इंडिया आकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी को मिले थे और मिनिस्ट्री इंडिया का काफ़ी सारे अलग अलग मिनिस्ट्री में उनका एमओयू साइन हुआ था। 8 MOU जो इम्पोर्टेंट MOU साइन हुआ था, और आने वाले दिनों में ये इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा मलेशिया के साथ और हो सकता है इंडिया टू मलेशिया एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा। और एक अच्छी बात है, इंडिया का फिलहाल जो बता दिया, इंडिया मलेशिया का ट्रेड 19.5 बिलियन डॉलर है और आने वाले 2030 तक ये 40 बिलियन डॉलर पहुंचने वाला है आने वाले दिनों में। और ये इंडिया का जो UPI पेमेंट सिस्टम है, फोनपे और गूगल पे वगैरह जो UPI पेमेंट सिस्टम है, मलेशिया में एक वहाँ का पेमेंट सिस्टम है पेनेट। तो पेनेट और UPI, ये तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में UPI और पेनेट ऑफ मलेशिया ये मिलके काम करेंगे। और आप इंडिया मलेशिया में रहोगे तो आप UPI में पेमेंट पे या रिसीव कर पाओगे इन मलेशिया, और मलेशिया का लोग इंडिया में आकर भी UPI यूज कर पाएंगे और आप मलेशिया में जाकर भी UPI में पेमेंट वगैरह कर पाओगे। ये आने वाले दिनों में ये होने वाला है। ये अगर हो जाती है फिर आने वाले दिनों में ट्रेड बढ़ेगी, टूरिज्म भी बढ़ेगी। तो इंडिया का और मलेशिया का क्या क्या ट्रेड के ऊपर बात हुआ, किस MOU के ऊपर साइन हुआ, और ये आने वाले दिनों में कौन से इंडस्ट्री में आगे बढ़ाएगा दोनों कंट्री को, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे कि आपका रिक्रूटमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, मिलिट्री कोलाबोरेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन हो गया, पाम ऑयल एक्सपोर्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, और आपका जो पॉलिटिकल टाइप है आगे बढ़ेगा, डिफेंस, आपका जो ये डिफेंस एंड सिक्योरिटी का पैक्ट कब साइन हुआ है, उसके बाद इकोनॉमी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर, फिनटेक हो गया, एनर्जी हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर, कल्चर, टूरिज्म, पीपल टू पीपल रिलेशन। तो ये जो जितने सारे बता दिया इंडस्ट्रीज, ये आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। पाम ऑयल, मलेशिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है, इंडोनेशिया मलेशिया फर्स्ट सेकेंड में है। तो मलेशिया का जो पाम ऑयल, इंडिया 20% पाम ऑयल मलेशिया से इंपोर्ट करता है। तो पाम ऑयल कैसे ज़्यादा ट्रेड होगा उसके ऊपर बात किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। एग्रीकल्चर, दोनों कंट्री में एग्रीकल्चर का जो टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ेगा। रिक्रूटमेंट, मलेशिया में जो पॉपुलेशन है 3.45 करोड़ का पॉपुलेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मलेशिया में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस लोग जाकर काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस जाकर मलेशिया में काम करेंगे उसके ऊपर भी MOU साइन हुआ है। उसके बाद टूरिज्म हो गया, मलेशिया में जो टूरिज्म है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टूरिज्म अराइवल है इंडिया का टूरिस्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया चाइनीज, सेकेंड है इंडियंस।
तो आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस कैसे ट्रैवल करेंगे टू मलेशिया, उसके ऊपर भी बातचीत हुई है और MOU साइन हुआ है। तो इसमें टूरिज्म बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट मलेशिया जाएंगे और मलेशियन टूरिस्ट इंडिया आएंगे, उसके ऊपर भी MOU साइन हुआ है। उसके बाद आपका जो कंस्ट्रक्शन का कोलाब्रेशन होगा, टेक्नोलॉजी, फिनटेक, बहुत सारे इंडस्ट्री आपको बता दिया, उसमें इंडिया को भी फायदा होगा और मलेशिया को फायदा होगा और ट्रेड बढ़ेगा। मलेशिया का पॉपुलेशन बता दिया, 3,45,00,000 का पॉपुलेशन है और ज़्यादा से ज़्यादा ये मलेशिया में प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो बता दिया आप अगर क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे तो मलेशिया, राइस हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, आप प्लास्टिक एक्सपोर्ट कर सकते हो, प्लास्टिक्स वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ऑनियन, राइस, उसके बाद आयरन एंड स्टील, एल्युमिनियम, गारमेंट्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, मिनरल्स, फ्यूल्स, ऑयल्स एंड मशीनरीज एक्सपोर्ट कर सकता है, और आप व्हीकल्स, हैवी लाइट व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो, केमिकल्स एक्सपोर्ट कर सकते हो और प्रेशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट कर सकते हो। डिटेल्स में आपको बता दिया। तो मलेशिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलेशिया, आप मलेशिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, और मलेशिया से कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा, हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फ्रॉम मलेशिया, मलेशिया से कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन मलेशिया, आप मलेशिया में कैसे बिजनेस स्टार्ट करोगे, एंड हाउ टू स्टार्ट योर कंपनी इन मलेशिया, कैसे आपका कंपनी मलेशिया में स्टार्ट करोगे, चार वीडियो बन चुकी है। तो मलेशिया को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, मलेशिया से कैसे एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूँ, और मलेशिया में आप कैसे आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे, क्या क्या कंपनी बना सकते हो, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना कंपनी बनाओगे तो कितना पैसा खर्चा आएगा उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है। आपको रेजिडेंसी वीज़ा कैसे मिलेगा, मलेशिया में आप कैसे सेटल होकर बिजनेस कर सकते हो उसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो मलेशिया के ऊपर ज़्यादा जानने के लिए आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाकर मलेशिया का वीडियो देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर आने वाले दिनों में मलेशिया को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, मलेशिया में मार्केटिंग करना चाहते हो, मलेशिया में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मलेशिया में ऑनलाइन में आप मार्केटिंग करना चाहते हो, मुझे बता दीजिए, हम आपका आपको मदद करेंगे कैसे आप मलेशिया में मार्केटिंग करोगे, कैसे आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करोगे इन मलेशिया। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर मलेशिया का वीडियोज देख लीजिए। आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा टू मलेशिया, क्योंकि मलेशिया का पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मलेशिया इम्पोर्ट करता है भारत से, ठीक है। तो इसलिए आप मलेशिया को कॉन्सेंट्रेट करिए और मलेशिया को मार्केटिंग करके मलेशिया को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए पुराना वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलेशिया इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।